फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए और ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराने की जरूरत होती है या नहीं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों के बारे में डिटेल से बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, जो स्टॉक मार्केट में एंटर करने वाले जो बिगनर्स होते हैं वो हमेशा एक ऐसे इन्वेस्टमेंट सेगमेंट को ढूंढते हैं जहां उन्हें रिस्क कम से कम फेस करना पड़े। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ साथ आजकल ईटीएफ में भी काफी लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं, क्योंकि यहां पर स्टॉक के कंपैरिजन में आपको रिस्क कम फेस करना पड़ता है। कारण क्या है कि जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे मूवमेंट जो होती है वो फास्ट रहती है, तो इसलिए रिस्क भी आपको ज्यादा फेस करना पड़ता है। वहीं जो ईटीएफ होते हैं वो इंडेक्स होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी का या कोई आईटी जो कंपनीज होती हैं उनके ईटीएफ होते हैं, फार्मा जो सेक्टर होते हैं उनके ईटीएफ होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रहते हैं काफी कंपनीज के स्टॉक्स का। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो मूवमेंट है वो थोड़ी कम दिखती है स्टॉक्स के कंपैरिजन में, इसीलिए रिस्क जो है ईटीएफ के अंदर आपको कम दिखाई देगा स्टॉक्स के कंपैरिजन में, इसीलिए ईटीएफ में इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या ईटीएफ के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराने की जरूरत होती है या नहीं। तो जिस तरीके से हमें स्टॉक्स में बाय एंड सेल करने के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, उसी तरीके से ईटीएफ को भी बाय एंड सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट हमें मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए डीमैट अकाउंट तो आपको जरूरत पड़ेगी ही अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तब। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।